तूफानी बारिश में निकासी आब मुयस्सर ना होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है। लिहाजा अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी, सफाई और सेवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें। कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों के लोग पानी की सतह की मुस्तकिल निगरानी करें और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए रेडियो सुनें। बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें। कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें। अशिया खुर्दोनोश, साफ पीने का पानी, जरूरी कागजात, मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें। खसूसर रात के वक्त अलार्म, लाउड स्पीकर या मोबाइल फोन के जरिए लोगों को सैलाब की इत्तला दें। सैलाब के दौरान बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें। याद रहे, सैलाब के पानी को पैदल या किसी सवारी से अबूर करने की हरगिज कोशिश न करें। सैलाब जदगान से गुजारिश है कि वो अपने इलाके के मुतलका जिले इंतजामिया के जरिए रिलीफ कैंप का रुख करें, जहाँ हुकूमत बुनियादी जरूरियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राबता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सब की मंजिल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।